हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो आफ्टर रीचिंग टू द बाइल, हम लोग बाइल तक पहुंच गए थे। हाँ, देखो बाइल तक पहुंचने के बाद क्या होता है कि बाइल, दोबारा एक बार थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ बेटा। हम लोगों ने खाना खा लिया था और हमारे पास स्टमक से पहुंचते पहुंचते इंटेस्टाइन तक पहुंच गया था। स्टमक से जो फूड आ रहा था वो एसिडिक था। एसिडिक जब फूड पहुंचा तो पैनक्रियास साहब ने मना कर दिया, नहीं भैया मैं काम नहीं करूंगा, मैंने अपने हाथ खड़े कर दिए, मुझे चाहिए बेसिक मीडिया। अभी दुविधा हो गई। तो इस समय लीवर जो कि बाइल प्रोड्यूस करता है, लीवर प्रोड्यूस बाइल, गॉल ब्लैडर तो बाइल स्टोर करता है, ठीक है, जो गॉल ब्लैडर है ये बाइल प्रोड्यूस नहीं कर रहा, बाइल लीवर ही प्रोड्यूस कर रहा है। तो बेटा ये होता क्या है कि जो प्रोड्यूस कर दिया बाइल से स्टोर किया, तो बाइल एक डक्ट के थ्रू सीधा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और जो खाना है जो एसिड इसको बेसिक कर देता है, इसको बेसिक कर दिया। अब बेसिक करने के अलावा इसने क्या काम किया था, जैसे चैप्टर 4 मैंने आपको बताया था क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप की तरह, ऐसे ही यहाँ पे भी वो छोटे छोटे पार्टिकल तोड़ देता है, जो बड़े बड़े इमल्सिफाइड फैट्स होते हैं, बड़े बड़े फैट्स होते हैं उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देता है। तोड़ दिया, ठीक है बेटा। अब छोटे छोटे पार्टिकल तोड़ने के बाद क्या होगा कि जो इसके एंजाइम्स है ना पैनक्रियास के एंजाइम अब काम आएंगे। देखो हमारे पास इतनी बात तो समझ में आ गई कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन साइट ऑफ डाइजेशन, सबसे ज्यादा मेन साइट ऑफ डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब होगा क्या कि यहां तक पहुंच गया। अब डाइजेशन जब हो चुका है मेजर साइट, कहां पे है वो, हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में है। वेरी गुड, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं इसमें, है ना। तो मेजर पोर्ट ऑफ डाइजेशन इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहां पे जब खाना ट्रिप्सिन, और सुन ध्यान से मेरी बात, ध्यान सुनना बेटा, यहां पर क्या होगा कि पैनक्रियास से एंजाइम्स आएंगे। पैनक्रियास जो एंजाइम सीक्रेट करेगा बेटा, उसके नाम होंगे ट्रिप्सिन, जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। आप कहोगे कि सर प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ पे भी हो रहा था, मैंने कब मना किया बेटा, यहां से तो एक पेस्ट की फॉर्म में जा रहा है ना बेटा, खाना यहां से एक पेस्ट की फॉर्म में जाता है। तो वो पेस्ट की फॉर्म में जैसे जाता है ना आगे, तो क्या होता है कि और छोटे पार्ट में तोड़ना होता है, और छोटे पार्ट में तोड़ना होता है। तो उसका काम कौन कर रहा है यहाँ पे, ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन किसको डाइजेस्ट कर रहा है, प्रोटीन को। इसके अलावा हमारे पास एक और एंजाइम होता है लाइपेज। तो लाइपेज किसके एक्ट करता है, फैट्स मॉलिक्यूल पे, जो आपके पास फैट्स मॉलिक्यूल्स होते हैं इससे एक्ट करता है, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास हो गया कि बेटा यहां पे खाना पहुंच गया, फैट को भी डाइजेस्ट कर दिया हमने, प्रोटीन को भी डाइजेस्ट कर दिया, है ना। अब होता क्या है कि हमारे पास पैनक्रियाज ने काम शुरू कर दिया, ये कर दिया, हमारे पास इंटेस्टाइन में खाना मस्त तरीके से चलता है। लेकिन इंटेस्टाइन पे खुद की भी तो कोई जिम्मेदारी है भाई। तो इंटेस्टाइन के वॉल्स इंटेस्टाइनल जूस सीक्रीट करते हैं। तो इंटेस्टाइन में क्या सीक्रीट होता है, इंटेस्टाइनल जूस। ये जो इंटेस्टाइनल जूस होता है बेटा, इसके भी कुछ एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स के बारे में डिटेल आपको यहां पे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप ऐसे समझ लो कि ये और सिंपलर फॉर्म में तोड़ेगा, यानी कि इससे भी और सिंपलर फॉर्म में तोड़ेगा। ये जो जूस है, ये जो ग्लैंड्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जब वो अपने एंजाइम्स सीक्रेट कर रहे होंगे, जो एंजाइम्स हैं वहां पर जो हैं मौजूद हैं, वो करेंगे इस प्रोटीन को तोड़ देंगे। इस प्रोटीन को किसमें तोड़ेंगे बेटा, तो याद रखना इंटेस्टाइन के अंदर प्रोटीन अमाइनो एसिड में टूटता है, जो कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन है बेटा। अमाइनो एसिड में तो प्रोटीन टूट गया, इसके अलावा क्या होता है, जो फैट्स है बेटा, फैट्स टूटते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो फैट्स ब्रेक डाउन इंटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, और बाकी जो मेजर सोर्स आप खा रहे हो कार्बोहाइड्रेट, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर काम हो रहा है सारा, है ना। ये तो हमारे पास पैनक्रियास का काम था, बाइल का काम, गॉल ब्लैडर का काम है, आपको बता दें, सिर्फ स्टोर करता है, प्रोड्यूस नहीं करता। बाइल प्रोड्यूस कौन करता है, वो लीवर ही करता है ना बेटा। तो कार्बोहाइड्रेट वो किस फॉर्म में तोड़ेगा, ग्लूकोज या शुगर की फॉर्म में, छोटे फॉर्म में, है ना। जनरली ग्लूकोज तोड़ रहा है शुगर, यानी कि सिंपल फॉर्म में ब्रेक कर दिया। अब होता क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बेटा, ऐसे समझो कि छोटे छोटे न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो क्या होता है यहां पे, न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन समझिए उंगलियों की तरह। हाँ जी बिल्कुल सही बात। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, इनका नाम होता है विलाय। क्या होता है बेटा, विलाय। हाँ जी, ये जो इनका काम क्या होता है, मैं बता रहा हूं बेटा। ये देखो विलाय जो होता है ना बेटा, विलाय जो होता है ना, ये क्या करता है, इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर डाइजेशन, डाइजेशन है ना, एब्जॉर्प्शन कह लो, ठीक
ठीक है, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्ब, तो फूड जो एब्जॉर्ब हो रहा है ना, तो सरफेस एरिया बढ़ा देता है। अब सरफेस एरिया बढ़ाएगा तो आसानी से एब्जॉर्ब होगा। अब इसके अलावा जो विलाई है ना, विलाई जो इसके इंटेस्टाइन के पास जो रहते हैं, इसके जो इनर लाइनिंग पे होती है, ये दे आर रिचली सप्लाइड, यानी कि इनके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होते हैं, ब्लड वेसल। क्या होते हैं बेटा? दे आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के साथ लवालब होते हैं बेटा, बहुत मस्त वाले ब्लड वेसल्स होते हैं इनके अंदर। अब क्या होगा, खाना ये पहुंचाएंगे, विलाई पहुंच गया तो इनर सर्फेस इंटेस्टाइन पहुंच गया था, स्मॉल पार्ट ब्रेक डाउन हो गया, सारे सिंपल फॉर्म बन गए। अब विलाई ले लेगा उस खाने को, और विलाई कहां पहुंचा देगा? ब्लड वेसल्स तक। अब ब्लड वेसल्स हमारी पूरी बॉडी में है, तो ये ब्लड वेसल्स जाएंगे इधर जाएंगे इधर जाएंगे इधर जाएंगे इधर जाएंगे इधर जाएंगे इधर जाएंगे, जहां जाइए वहां जाएंगे, जहां भी बॉडी में रिक्वायरमेंट है बेटा वहां पे ब्लड वेसल्स पहुंचा देंगे। और जो आपकी टिश्यूज ब्रेक डाउन हो रहे होंगे, कोई इंजरी हो रही होगी या कोई टिश्यू रिपेयर करने होंगे, वो आप उस एनर्जी को स्टोर करके ले सकते हो। लेकिन सारी एनर्जी तो नहीं चाहिए होगी ना बेटा आपको, सारी एनर्जी तो नहीं चाहिए होगी, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो इस लीवर में स्टोर हो जाएगी। तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी कह लो, या एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फूड, या एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सोर्स जो भी आपको बचा होगा ग्लूकोज का, या फिर शुगर का एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ शुगर जो हमारे पास बचा होगा बेटा, वो कहां पे स्टोर होगा? इतना बड़ा डायग्राम बना दूंगा, डायग्राम खराब हो जाएगा बेटा। ये स्टोर होगा कहां पे? लीवर के अंदर। और किस फॉर्म में स्टोर होगा बेटा? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहां तक? नहीं आनी चाहिए। ठीक है बेटा, अब हम लोग देखते हैं कि होता क्या है आगे। अब बेटा हमारी बॉडी तक पहुंच गया, ये हो गया हो गया। अब क्या होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है पार्ट, ये देखो ये यहाँ पे खुल गया, सब सब कुछ खा लिया इसने, और ये देखो ये पहुंचते 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 यहाँ पे खुल गया, ये देखो ना स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे खुला हुआ है, देखो ये तो यहाँ से बंद है, अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे खुला हुआ है, यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ इसका आएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो अब आया था लार्ज इंटेस्टाइन में। पर लार्ज इंटेस्टाइन में भी विलाइज होते हैं, बिल्कुल होते हैं बेटा, और वो क्या करते हैं कि और अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब और कोई अगर मटेरियल हुआ तो उसे एब्जॉर्ब करके रखेंगे। बाकी क्या करेंगे कि ये हार्ड मटेरियल केवल लार्ज इंटेस्टाइन से पास होता है ज्यादा, है ना, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब जो इसमें से वाटर होगा ना यहाँ पे जा रहा होगा, थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा पानी होगा, लेकिन वो उसको भी एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, तो बेटा उसने इसको एब्जॉर्ब कर लिया, तो होगा क्या कि लार्ज इंटेस्टाइन से मूवमेंट होती 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 चली जाएगी, और मूवमेंट होते 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 फाइनल कहां पे आ जाएगी? वो एनाल पे आ जाएगी। अब ये एनस क्या होता है? एनस के थ्रू बाहर हो जाता है। लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है बेटा, जैसे लास्ट में कहता हूँ, लास्ट पार्ट जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं रेक्टम, RECTUM, इसे हम लोग कहते हैं रेक्टम बेटा। और ये जो यहाँ पे होता है एनाल स्फिंक्टर, मैंने आपको बताया था स्फिंक्टर, आप बड़ी खास पढ़ोगे, बहुत सारे स्फिंक्टर बेटा, स्फिंक्टर ऑफ ओडा, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन, है ना, तो वो सब चीज बेकार की बात है, बस यहाँ पे एनाल स्फिंक्टर ऐसे समझ लो, स्फिंक्टर बैक फ्लो नहीं होने देता यार। जैसे यहाँ पे समझ लो कि हमारे पास एक स्फिंक्टर है, यहाँ पे एक बिल्कुल होता है ओडा होता है, स्फिंक्टर जो होता है ना बेटा वो बैक फ्लो नहीं होने देता, जैसे खाना आगे चला गया तो पीछे नहीं जाएगा, तो ऐसे यहाँ पे एनाल स्फिंक्टर होता है। तो बेटा स्फिंक्टर क्या होगा, जैसे वेस्ट एक बार बाहर आ रहा होगा तो वापस अंदर नहीं जाएगा कभी, ऐसा नहीं होता ना। हाँ, तो ये जो होता है बेटा ये इसी काम करता है, तो आप एडजस्ट कर देते हो उसे। ठीक है, समझ में आती है इतनी बातें? तो इस तरीके से हमारे पास डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब बेटा कई बार आपने देखा होगा दांतों में क्या होता है, कैविटी हो जाती है या फिर बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो जैसे जब आप मीठा वगैरह खाते हो ना, ब्रश वगैरह नहीं करते हो ज्यादा, तो आपने देखा सुबह से उठने के बाद दांत में कुछ ऐसा ऐसा क्रीमी टाइप का हो जाता है। हाँ, तो वो क्यों होता है बेटा? तो एक्चुअल में क्या है कि जब आप लोग बैक्टीरिया को एक्चुअली मौका दे रहे हो कि आओ हमारे दांतों पर बैठो सुंदर सुंदर, और हमारे दांतों को खाओ, और क्या मीठा खा रहे हो कुल्ला नहीं कर रहे, तो बेटा एक्चुअली होता क्या है कि वो जो कंडीशन आप प्रोवाइड कर रहे हो मीठा वगैरह ये सब, ये बैक्टीरिया के फेवरेबल कंडीशन, हाँ वहां पे अच्छे से ग्रो हो जाता है और मस्त मजे रहता है आपके दांतों के, आप तो ले नहीं पाते, फिर फिलिंग करानी है, ये हो रहा है वो हो रहा है, वही करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए बेटा ज्यादा मीठा ना खाएं, चॉकलेट वॉकलेट थोड़ा सा कम कर दें, हेल्दी रहें, है ना। तो बेटा इस तरीके से हमारे पास डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। और डाइजेशन के साथ साथ आज हम लोग देखते हैं कि किस स्टेप्स में, ये तो पढ़ लिया हमने, है ना, किन किन स्टेप्स में हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो एक बार फटाफट से रिकैप करा देता हूँ आप लोगों का, जिन लोगों ने आराम से पढ़ा है वो तो बहुत ही अच्छा,
और जिन लोगों को समझ में नहीं आया है, थोड़ा सा रह गया था, उनको अब समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रोसेस से। सबसे पहला प्रोसेस था बेटा इंजेशन। इंजेशन मतलब खाने का अंदर लेना। खाने को जो आपने अंदर लिया माउथ के थ्रू लिया, माउथ में सलाइवा था, सलाइवा का पीएच ऐसे दिखता, सलाइवी एमाइलेज एंजाइम ने स्टार्च को तोड़ दिया, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर दिया और उसके बाद हम लोगों ने खाना शुरू कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया। फूड इंजेस्ट करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे गए स्टमक में गया, तो स्टमक में जाके हमारे पास डाइजेस्ट होना शुरू हुआ। तो इंजेशन के बाद हमारे पास क्या होता है, डाइजेशन। दूसरे प्रोसेस में क्या आता है बेटा, डाइजेशन। तो डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट से स्टमक में हो चुका था, लेकिन कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन क्या है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन। जब डाइजेशन हो गया है हमारे पास, तो उसके बाद क्या होता है बेटा, अब ये एब्जॉर्ब करना शुरू करता है, एब्जॉर्ब करना शुरू करता है। थर्ड पार्ट क्या आता है बेटा हमारे पास, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्ब कर लिया हमने फूड, हमने देखा था ना कि विलाई वगैरह ने कैसे एब्जॉर्ब कर लिया था स्मॉल इंटेस्टाइन से, है ना, ये हो गया था। तो हम लोग पूरा स्टेप इसमें लिख देंगे एब्जॉर्प्शन में। फोर्थ पार्ट में लिखेंगे एसिमिलेशन। बेटा एसिमिलेशन होता है यूटिलाइजेशन, कि आप कैसे यूज कर रहे हो। तो मैंने आपको बताया था ना, विलाई लेगा, ब्लड वेसल्स की मदद से हमारे पास पूरी बॉडी में फैल जाएंगे और ब्लड वेसल्स तो जहां पे आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होगी वहां पे पहुंचा देंगे, है ना। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। अब उसके बाद क्या होगा बेटा, लास्ट पार्ट, इजेशन कह लो या फिर एक्सक्रीशन कह लीजिए, इजेशन या एक्सक्रीशन। तो बेटा इजेशन और एक्सक्रीशन यानी कि जब आप खा चुके हो, सब कुछ आपने एब्जॉर्ब कर लिया है, तो आप लोगों का लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए, लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम से होते हुए एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है और इसी के साथ आपका खाया हुआ बाहर चला जाता है। ठीक है, समझ आती है अपनी चीजें, कोई दिक्कत ऐसा नहीं है। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स आपके पास है ही, आप कोई भी दिक्कत आए बेझिझक अपने कमेंट बॉक्स डाल सकते हैं। इवन आई हैव शेयर्ड माय कॉन्टेक्ट नंबर, इफ यू वांट टू कॉन्टेक्ट मी तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी बाय व्हाट्सएप और बाय एनी मीन्स। ठीक है, तो आई विल ट्राई बेस्ट टू हेल्प यू आउट इन एनी अदर वे पॉसिबल। ठीक है, तो आई होप द लेक्चर वाज प्रीटी मच क्लियर टू यू एंड रियली थैंकफुल टू प्रेमा मैम फॉर मेकिंग दिस डायग्राम दैट मेक्स यू मोर क्लियर इन अंडरस्टैंडिंग डायग्राम। अदरवाइज मेरे को नहीं पता मैं क्या बनाता भाई, आप लोगों ने देख ही रखे मेरा डायग्राम। ठीक है, टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।